सवाल तो अभी भी खड़े हो रहे हैं, घर में रहे हैं तो भी, प्रदेश के गृहमंत्री हैं, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, पिछले डेढ़ बरस से मुख्यमंत्री घर से दफ्तर नहीं गए, उसकी किसी तरीके की समीक्षा नहीं हुई और अनेकों ऐसे अवसर आए जब राजस्थान की जनता त्रस्त रही, पूरा बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से त्रस्त है, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई, उन सब बातों के लिए प्रदेश का मुखिया यदि कैद रहेगा और ये लॉजिक दे कि मैं बाहर जाऊंगा प्रोटोकॉल टूटेगा और लोग कोरोना फैलने का आरोप लगाएंगे, मुझे लगता है राजस्थान में तो कोरोना से बड़ी बीमारी खुद सरकार अपने आप में संक्रमण फैला रही है। सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए बाहर निकलते, सुध-बुध लेते। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वर्चुअल जो काम अभी तक कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने कहते हैं मैंने रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि राजस्थान में ऐसी कोई वर्चुअल सरकार थी, ऐसे कोई वर्चुअल मुख्यमंत्री रहे होंगे। संसद चर्चा के लिए होती है, अगर जनता के विषय हम लोग सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। लोकतंत्र का मंदिर है संसद, तो हम चाहते थे कि महंगाई पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो। पेगासस एक ऐसा विषय जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफ़ी चर्चित है और आंतरिक सुरक्षा उससे जुड़ी हुई है। अब इन विषयों पर चर्चा अगर नहीं होगी, किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, इन पर चर्चा नहीं होगी तो हम लोग क्या करें। इस देश को अगर अनाज कोई खिलाता है तो पंजाब और हरियाणा के किसान खिलाते हैं, उनको समझाते क्यों नहीं है। बोली आज कम लगभग 9 महीने होने चले, सारा घर द्वार छोड़ के वो लोग पंजाब के, हरियाणा के किसान, वेस्ट यूपी के किसान और पूरे देश भर के किसान वहाँ पर सर, तो उनकी बात सुनना चाहिए। जो तीनों कानून हैं उनको समाप्त करना चाहिए और सबके साथ चर्चा करने के बाद अगर नया कानून बनाना है, सबको विश्वास में लेके बनाए, MSP का कानूनी प्रावधान करें।